नमस्कार, मैं नताशा चिरानिया आज आपके सामने ऐसा वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें मेरे कुछ साथियों ने मिलकर ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम विद्यार्थी जीवन में होते हुए भी एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य को निभा सकते हैं, अपने अलग अलग कार्यों से कैसे हम एक अच्छे नागरिक कहला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समय की पाबंदी का अर्थ एक व्यक्ति के लिए निश्चित समय पर कार्य करना या दिए हुए समय पर किसी भी कार्य को पूरा करना है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य को समय पर पूरा करता है उसे समय का पाबंद या समयनिष्ठ कहते हैं। समय का पाबंद होना एक व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे सभी कार्यों को समय पर करने में सक्षम बनाता है। मानसी। हाँ मम्मी। आओ बेटा मेरी जरा मदद कर दो। ठीक है मम्मी, मैं आ रही हूँ। अनुशासन का अर्थ है नियम के अनुसार चलना, नियंत्रण या व्यवस्था। विद्यार्थी और अनुशासन का परस्पर गहरा संबंध है। अनुशासन के बिना विद्या ग्रहण करने का कार्य नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। आज सभ्यता और असभ्यता की पहचान ही यही रह गई है, अनुशासन। स्कूल ड्रेस भी हमारे स्कूल अनुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये ना केवल ये दर्शाता है कि हम कौन से स्कूल से हैं, बल्कि हमें स्कूल जाने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास भी देता है। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। ये हमें समाज में बेहतर स्थिति बनाने में मदद करता है। नियमित और उचित अध्ययन हमें जीवन का लक्ष्य बनाकर सफलता की ओर ले जाता है। हम अपने विद्यार्थी जीवन में भी पर्यावरण के बारे में सोचें और पेड़ पौधे लगाएं या उनकी देखभाल करें, तो हम एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य को निभाते हुए अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धरती पर हमेशा के लिए जीवन को संभव बनाने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, पानी, खाद्य पदार्थ आदि को भी साफ बनाए रखना चाहिए। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है। मम्मी, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। ओके रुको, तुमने फल तो खाए नहीं। अच्छा दे दो, रुको पहले धो लेता हूँ। रुको फेंक के हाथ धो लेता हूँ।
ओके बाय। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे साथियों ने मिलकर आप सबके सामने स्वच्छता, शिक्षा, सम्मान, अनुशासन, प्रकृति और समय की पाबंदी, इन सभी के बारे में अपनी राय सबके सामने रखी है। हम सबका यही प्रयास है या संदेश है कि कैसे हमें देश के कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है तथा अपने छोटे छोटे कार्यों से एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए अपने साथियों हर्षित, हिमांशी, दिग्विजय, देवोपर्णा और फहीम का आभार प्रकट करना चाहूँगी और हमारे हिंदी शिक्षक जीएम श्रीवास्तव सर का भी, जिन्हें के मार्गदर्शन से ये मुमकिन हो पाया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम सभी की ओर से धन्यवाद।